थैली से एक के बाद एक निकल रही शैंपू की इन बोतलों के अंदर कुछ ऐसा है जिसे देख कस्टम वालों के होश ही उड़ गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सामने आया वीडियो देखकर हर किसी के होश उड़ गए। आपको बता दें कि कस्टम विभाग ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर तेहरान से शैंपू में हीरोइन छिपाकर ला रहे दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों विदेशी नागरिक अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और दुबई के रास्ते तेहरान से दिल्ली IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंचे। दोनों अफगानी नागरिक तकरीबन 7 किलो 620 ग्राम की हीरोइन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 53 करोड़ 34 लाख रुपए है, तस्कर इस शैंपू के तरल पदार्थ में मिलाकर हिंदुस्तान ला रहे थे, लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजरों के आगे ये पकड़े गए। पकड़े गए दोनों लोगों के बारे में कस्टम विभाग को पहले से ही जानकारी थी, जिसके बाद इनके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से शैंपू की बोतलें बरामद हुईं। जब उन शैंपू की बोतलों से भरे तरल पदार्थ की तफ्तीश की गई तो पता चला कि उसमें हीरोइन मिली हुई है। हीरोइन को कम से कम 30 बोतल हेयर कलर और 2 बोतल शैंपू में छिपाकर तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। फिलहाल दोनों अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हीरोइन दिल्ली में कहाँ सप्लाई की जानी थी। इस बात को लेकर दोनों अफगानी नागरिक से पूछताछ भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।